हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो शाम हो चुका था, मैं आ गई थी दियाबाती करने के लिए। जब हम दियाबाती करते हैं, आप सब लोगों को पता है, बाल को खुला नहीं रखा जाता, सर में पल्लू रखकर हम दियाबाती करते हैं। पूजा की जितनी सारी रीति रिवाज होती है, हम सब रीति रिवाज को सर पर पल्लू रख कर ही हम करते हैं। बिना सर पर पल्लू रख के हम पूजा नहीं करते हैं, बाल को खुला भी नहीं छोड़ा जाता है। अच्छी तरह नीति नियम को मानकर हम सब लोग पूजा करते हैं। हर घर में पूजा होती है, शाम और सुबह दो बार तो जरूर पूजा किया जाता है। दियाबाती करने से मन को थोड़ी सी शांति मिलती है, घर की सुख समृद्धि भी बढ़ती है। जो लोग घर में हम सुबह से शाम तक तो खाना वगैरह सब तो बनता रहता है, उसी से थोड़ी सी टाइम निकाल कर हम भगवान जी को प्रणाम करने के बाद ही घर के सारे काम शुरुआत करना चाहिए। जैसे सुबह पूजा करने के बाद हम और काम में लग जाते हैं, इसी तरह शाम को भी एक बार झाड़ू वगैरह लगाने के बाद पूजा होती है, पूजा करने के बाद हम फिर से लग जाते हैं अपने अपने किचन में काम में, क्योंकि हम हैं सुख गृहिणी। गृहिणी का काम तो कभी ख़त्म नहीं होती है। जो सुख गृहिणी होती है, उनकी कोई काम बताने के लिए नहीं पड़ती है। वो फटाफट अपने अंदाज से अपने घर की ज़रूरत के अनुसार सब काम वो कर लेते हैं। किसी को उनके लिए बोलना नहीं पड़ता है वो क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। इसी तरीके की सबके घर में छोटे छोटे काम भी होती है, सब लोग आराम से कर लेते हैं, काम करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग सब कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक सुंदर सा रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। हम ब्लॉग में स्टार्ट करें, अब टाइम हो रहा है, 6 बज चुका है। दियाबाती करने के बाद मैं यहाँ पर आई हूँ किचन में, तो जा रही हूँ कुछ स्नैक्स बनाने के लिए। तो आज मैं आपके साथ रेसिपी भी शेयर करूंगी, गड़बड़ी भी नहीं, क्योंकि एक न्यू रेसिपी तो इसी वजह से। तो चलिए पहले कुछ बना लेते हैं, बाद में बातें करेंगे। यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा ले ली, इसमें स्वाद अनुसार डाल देंगे नमक, थोड़ी सी कलौंची। अब इसमें हम डाल देंगे 2-3 चम्मच ऑयल। सारी चीज़ को डालकर आटा को अच्छी तरह मिक्स करेंगे। आज मैंने इस रेसिपी को गेहूं के आटा से बना रही हूँ, आप चाहें तो उसको मैदा से भी बना सकते हैं। अच्छी तरह ऑयल के साथ आटा को मिक्स कर लीजिए, देखिए इस तरह मुट्ठी बन जाए। उसके बाद हम उसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर एक डो बनाएंगे, जिस तरह के समोसा हम बनाते हैं इसी टाइप की हम यह आटा लगा लेते हैं। तो आज की ब्लॉग आपको पसंद आई तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना, और वीडियो को एक लाइक करने के लिए मत भूलना, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए अब मैंने आटा को गूंद कर भी रेडी कर चुकी हूँ। इस तरह का रेसिपी बनाकर आप स्टोर भी कर सकते हैं। तो ये रेसिपी आप लोग जरूर एक बार ट्राई कीजिए, आप सब लोग को पता है पसंद आएगा। तो यहाँ पर छोटी छोटी लोइयाँ निकाल लेते हैं। लोइयाँ निकाल लेने के बाद ढक्कन लगा कर रख लेते हैं। थोड़ी देर के बाद हम उसकी स्टफिंग भी बनाएंगे। बिल्कुल मज़ेदार स्टफिंग आज बन रहा है, बिल्कुल न्यू रेसिपी, आप लोग ज़रूर एक बार ट्राई कीजिए। तो देखिए लोइया तो बन चुकी है, अब चलिए फटाफट। तो चना दाल को मैंने 2 घंटे पहले भिगा कर छोड़ दी थी। हमारी चना दाल अच्छी तरह सॉफ्ट हो चुका है। अब चना दाल को अच्छी तरह धोकर एक छन्नी से छान लीजिए। तो अब कढ़ाई को गर्म करके हम उसमें डाल देंगे 2 चम्मच ऑयल। ऑयल यहाँ पर गर्म हो चुका था। 2 हरी मिर्च काट कर डाल दीजिए, थोड़ी सी कट लगा लीजिए। थोड़ी देर भुनने के बाद अब हम उसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। जीरा को चटकने दीजिए, जीरा चटक जाए तो यहाँ पर अब हम डाल देंगे उसमें थोड़ा सा करी पत्ता। करी पत्ता को भी डालकर थोड़ी देर के लिए हम भून लेते हैं। करी पत्ता को भूनने के बाद जो चना दाल को हमने छान कर रखे थे, चना दाल को डालकर अच्छी तरह भून लेंगे। यहाँ पर चना दाल से हम डाल देंगे स्वाद अनुसार थोड़ी सी हल्दी पाउडर डाल देंगे, और स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे। मीडियम आंच पर चना दाल को भूनते हुए हम पानी सूखने तक भूनते रहेंगे, जब तक हमारी चना दाल से पानी अच्छी तरह सूख न जाए। इसी टाइम तक आप लोग चना दाल को भूनते रहिए। यहाँ पर हमारी चना दाल अच्छी तरह भूनकर रेडी हो चुका है। तो चलिए चना दाल को एक प्लेट में निकाल लेते हैं ठंडा होने के लिए। चना दाल को अच्छी तरह ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे।
तो इस तरीके की रेसिपी बनाकर आप आराम से कुछ दिनों तक स्टोर भी कर सकते हैं। तो चना दाल हमारे यहाँ पर ठंडा चुका है तो अब हम इसमें थोड़ी सी मिक्सी में अच्छी तरह पीस कर ले आएंगे। थोड़ी सी दरदरा पीस लीजिए, अच्छी लगेगा। तो यहाँ पर मैंने दो प्याज में चना दाल को पीस कर ले आई थी। अब चाहे तो इस रेसिपी को आलू के साथ भी बना सकते हो। यहाँ पर देखिए, इसी तरीके की मैंने चना दाल को पीस कर ले आई हूँ। दोबारा भी पीस लेते हैं जो थोड़ा सा बाकी था। मैंने हमारी स्टफिंग यहाँ पर रेडी हो चुका है, तो चलिए नेक्स्ट प्रोसेस के तरफ चलते हैं। देखिए कितना सुंदर स्टफिंग हम बनकर रेडी हो चुका है, बिल्कुल सूखा सूखा। तो यहाँ पर देखिए, थोड़ी सी ऑयल लगाकर हम छोटे छोटे पूरियाँ बेल लेते हैं। तो हमारी पूरियाँ यहाँ पर इस तरीके की बनकर रेडी हो चुका है। हम जो स्टफिंग बनाकर रखें तो इसमें थोड़ा सा स्टफिंग भर लेंगे। आप लोग आटा और चना डाल की भुजिया भी बोल सकते हैं। तो ये देखिए, अब स्टफिंग देने के बाद थोड़ा थोड़ा पानी लगा लेंगे, इस तरह फोल्ड करेंगे। हम जैसे भुजिया बनाते हैं यानी गुजिया बनाते हैं, इसी तरह हम उसको फोल्ड कर लेंगे यानी डिजाइन दे लेते हैं। इसी तरीके की आप लोग एक बार बनाइए और खाइए और मुझे कमेंट करके बताइए। कमेंट करने के लिए बिल्कुल मत भूलना, और एक बार ज़रूर घर पर बनाइए, सबको खिलाइए। और रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताना। यहाँ पर देखिए, इसी तरीके की मैंने सारी स्नैक्स को बनाकर रेडी कर ली थी। बिल्कुल एक हेल्दी के साथ एक टेस्टी रेसिपी, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिए। तो चलिए मैं आपको एक बार और बनाकर दिखा लेती हूँ। इसी तरीके की मैंने सारी गुजिया को बनाकर रेडी कर ली थी। एक साथ सबको बना लीजिए, बाद में हम उसको ऑयल में तल लेंगे। तो चलिए, यहाँ पर हमारी ऑयल भी गर्म हो चुका है। ऑयल को अच्छी तरह गर्म कर लीजिए, उसके बाद मीडियम करके हम डाल देंगे सारी गुजिया को। इस तरह डालकर हम धीरे धीरे मीडियम आंच पर हम उसको भूनते रहेंगे। आप लोग हाई फ्लेम पर भुनेंगे तो स्टोर नहीं कर पाएंगे। फटाफट खाने के लिए बना रहे हो तो थोड़ी सी मीडियम आंच पर हम उसको फ्राई करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब हम स्टोर करेंगे तो थोड़ी सी धीमी आंच पर बनाकर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसी तरह के लाल लाल होने के बाद अच्छी तरह कलर आ चुका है, तो मैं अब उसको निकाल लेती हूँ। तो हमारी चना दाल और आटे की स्नैक्स बनकर रेडी हो चुका है। आप लोग ज़रूर ये रेसिपी की एक बार ट्राई कीजिए, आप सब लोगों को पसंद आएगा। बनकर रेडी हो चुका है, हम सब लोग चाह रहे हैं खाने के लिए। खाने के बाद आकर मैं आपके साथ मिलूंगी। तो यहाँ पर दाल चावल के साथ रोटी और सूखी सब्जी बन रही थी। मैं बना रही थी आज गोभी, आलू और बीन्स की सूखी सब्जी। रात में थोड़ी सी चावल आज बना ली, क्योंकि हस्बैंड ने फ़ोन किए थे चावल बनाने के लिए, इसी वजह से थोड़ी सी चावल बना ली। यहाँ पर डिनर लगभग ख़त्म हो चुका है। हेनरी रोटी बनाने के बाद मेरी डिनर बनकर रेडी हो जाएगा। तो आज मैं आपको बताऊंगी घर में कौन सी देवादेवी पूजा करने से घर में कभी भी गरीबी नहीं आती है, दुख नहीं आती है, सुख संपत्ति से हमारे घर भरपूर हो जाते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी। हम मंदिर में ढेर सारे देवादेवी की पूजा करते हैं, लेकिन घर में जो देवादेवी रहते हैं हम उनकी आदर नहीं करते हैं, जतन नहीं करते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं। वही हमारे माँ और बाप, जो माँ बाप की नहीं होती वो ज़िंदगी और किसी के नहीं बन सकते, वो अपने पति और बेटे के भी नहीं बन सकते, क्योंकि जो उनको जन्म दिया है वो उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं, तो हमारे क्या करेंगे। इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ एक सलाह देती हूँ, आप काम से ज़्यादा बिजी रहते हैं फिर भी थोड़ी सी समय निकाल लीजिए और उनके पास थोड़ी देर बैठ लीजिए, थोड़ी सी बातें भी कर लीजिए। उनकी ज़रूरत, उनकी क्या क्या ज़रूरत है उनके बारे में थोड़ी सी पूछ लीजिए। ज़्यादा टाइम नहीं, थोड़ी सी टाइम देने से वो भी खुश हो जाती है। उनके हर वक्त उनके ख्याल रखिए, एक बार दिन में आते जाते पूछ लीजिए तो वो लोग इतना खुश हो जाते हैं। वो लोग हमसे कुछ भी नहीं मांगते हैं, थोड़ी सी आदर स्नेह और जतन प्यार ही चाहते हैं। हम थोड़ी सी टाइम उनके लिए दे सकते हैं तो उनके प्यार और आशीर्वाद की वजह से हम किसी भी जगह पर नहीं हारेंगे। वो
मुनि के आशीर्वाद की वजह से हमारे घर में सुख संपत्ति और समृद्धि से भर जाएगा। हमारे घर में कभी गरीबी कभी दरिद्रता भी नहीं आएगा। आप लोग कभी भी किसी जगह पर नहीं चुकेंगे, तो उनके साथ इतना मिलजुल कर रहिए कि आप लोग उनको भी कभी महसूस नहीं होगा आप उनके कदर नहीं कर रहे हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पर रखती हूँ, मिलती हूँ अगले वीडियो में।